हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की सीरीज में आज हम लेसन नंबर 9 करने वाले हैं और इसका टॉपिक है नाबार्ड और उसका रोल इन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इस लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो डू कमेंट। सो लेट्स बिगिन अवर लेसन। ओके, सो पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, नाबार्ड बना कैसे। वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ क्रैकी कार्ड होती क्या, ये कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी श्री वरारमान हु वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1979 वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड कहते हैं, बाय इंटेग्रेटिंग। अब बनेगा कैसे, रिकमेंडेशन तो उनकी थी पर बनेगा कैसे, बाय इंटेग्रेटिंग द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने क्या खोला था, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है आरबीआई का वो, प्लस एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एआरडीसी, मतलब कि एसीडी प्लस एआरडीसी, ये कॉरपोरेशन थी और ये विंग था एक आरबीआई का, इनको मिला के बना हमारा नाबार्ड, NABARD, पता होना चाहिए आपको। सो द नाबार्ड वाज सेट अप ऑन, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12th July 1982 अंडर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। नाबार्ड इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। सो ये एक एक्ट के अंडर बने तो उसका मतलब ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज। इसका बेसिकली काम क्या था, वही क्रेडिट देना, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। इट हैज़ अ पेड अप कैपिटल 2000 करोड़, जिसके पास पेड अप कैपिटल रहती है, विच वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो 50-50% बेसिस पे, 50% बेसिस में, मतलब 1000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 1000 करोड़ आरबीआई देगा, तो ये अपना जो कैपिटल है वो मेंटेन करता है 2000 करोड़। इट इज नॉट अ होली सब्सिडरी ऑफ आरबीआई नाउ बिकॉज आरबीआई सोल्ड 99% ऑफ इट्स स्टेक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट याद रखें, अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर 99 नहीं, अभी तो ये 100% हो गया। इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई इंडिया विद 6 ट्रेनिंग सेंटर्स एंड स्पेशल सेल इन श्रीनगर। याद रखो, एक स्पेशल सेल भी है नाबार्ड का, कहाँ पे है, श्रीनगर में है। 6 इसके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। इट हैज़ 336 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। और चेयरमैन जो भी इसका प्रेजेंट चेयरमैन है वो आप अभी याद कर लो, और जब आपको एग्जाम आने वाला होगा तो आप देख लेना कि वही चेयरमैन रहते हैं या उनकी ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, और उस टाइम चेयरमैन कौन है नाबार्ड का। सो नाबार्ड को अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं, सो इसका काम बेसिकली क्या होता है, एक क्रेडिट देता है किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है, एक क्रेडिट देता है। अब इसको पैसा कहाँ से आता है, 2000 करोड़ तो मैंने आपको बता दिया इसका पेड अप कैपिटल है, लेकिन बाकी इसको पैसे कहाँ से आते हैं तो वो ज़रा हम देख लेते हैं, समझा देता हूँ थोड़ा सा नाबार्ड का क्या रहता है। बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनको पीएसएल मेंटेन करना पड़ता है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो कि मेंटेन हुई है 40% पे। अगर वो अपने पूरे ईयर में 40% तक का लोन दे देते हैं देन इट इज ओके। अगर वो लोन नहीं दे पाते तो लेट अस सपोज वो 20% अपना टारगेट फिल करते हैं, तो जो पीछे 20% जो उनका पैसा बचेगा वो जाएगा सीधा नाबार्ड के पास, और नाबार्ड जो है वो ऐसे लोन देगा इसके थ्रू। तो आपको समझ आ गया, ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया नाबार्ड का काम है क्या। बेसिकली नाबार्ड इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम विच एनकरेज इंडिया बैंक्स टू लैंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। एस एच जीज आर कंपोजली ऑफ पोअर वुमेन, तो ये आपको पता ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी पैसे इसके थ्रू आते हैं। इट हैज़ रिलीज्ड अ स्टडी नेम अचीविंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया विजन 2030 इन दिसंबर 2020। द रिपोर्ट असेसिस द ट्रेंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफाइज द फैक्टर्स
that have a significant effect on reducing malnutrition in India. So basically NABARD, मैंने आपको ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है क्योंकि NABARD का पूरा वहाँ पे मेंशन है, तो उसके रिलेटेड कुछ भी जो हो रहा है वो आपको आना चाहिए. तो ये करंट का पार्ट है कि न्यूट्रिशनल में भी NABARD का रोल प्ले करता है. NABARD has closed its business at 6.57 lakh crore in the financial year 2021, recording a growth rate of 23.5%. It's a buffer point, याद कर लो, MCQs में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं. A refinance facility worth 500 crore was introduced to support government of India's water sanitization and hygiene wash program के लिए 500 crore दिया था किसने? NABARD ने. Under आत्मनिर्भर भारत अभियान NABARD released amount to cooperative banks, regional rural banks and to NBFCs, non-banking financial companies, microfinance institutions through a स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, इसको हम SLF कहते हैं. ये बड़े ही कम इंटरेस्ट पे उनको पैसा क्रेडिट करता है. द स्मॉलर स्टेट इन द यूनियन टेरिटरीज हैज टू टायर स्ट्रक्चर्स वेयर एज द लार्जेस्ट स्टेट हैज थ्री टायर स्ट्रक्चर्स. इन द टू टायर स्ट्रक्चर्स सिर्फ PACs आर डायरेक्टली मेट बाय SCBs. तो DCBs जो होती हैं वो यूनियन टेरिटरीज में और स्मॉल स्टेट्स में नहीं होती. सो जो बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे ही DCB जो है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो बैंक होता है. तो अच्छा, एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी. सो इसलिए उनको भी देख लें, जैसे DCBs, SCBs, PACs. तो ये मैंने इससे पहले लेक्चर में समझाया हुआ है, तो उसको आप देखें, उसके बाद ही आप, मतलब जो भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस में ही आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. अब फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, इसका मेन फंक्शन ही क्रेडिट है. अब डिफरेंट उसके बाद क्या क्या फंक्शन है, मेनली जिनका काम है वो रूरल डेवलपमेंट के साथ है क्योंकि एग्रीकल्चर वहीं पे सबसे ज़्यादा किया जाता है. सीजनल एग्रीकल्चर जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए पैसा देते हैं. मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज प्लान सारा कुछ यही करते हैं. ओके, सो IT सेक्टर जो है वो इनका मेंटेन करता है कि कहाँ पे कितना पैसा दिया जा रहा है. सो ये जो है ये इसके सारे काम है RR NABARD के. अगर हम बात करें NABARD एंड रूरल क्रेडिट, ये एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े से मतलब समझ आने चाहिए. प्रोडक्शन क्रेडिट रीफाइनेंस, ओके, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म. सो पहला हमारा आता है प्रोडक्शन क्रेडिट रीफाइनेंस. इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक, मतलब SCBs को देता है, एंड रीजनल रूरल बैंक्स RRBs को देता है, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जहाँ जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा वहाँ वहाँ पे ये पैसे देता है, प्लस SCBs और RRBs को ये पैसे देता ही देता है. इट प्रोवाइड्स मीडियम टर्म क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. द लोन इज एक्सटेंडेड अप टू ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स. देखो, शॉर्ट टर्म लोन किसको देता है ये हमने याद रखना है. NABARD किसको शॉर्ट टर्म लोन देता है? SCBs को और RRBs को. मीडियम टर्म लोन किसको देता है? एग्रीकल्चर को, विलेज को और कॉटन इंडस्ट्रीज और SSIs को. लोन इज एक्सटेंडेड अप टू पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक इस लोन को एक्सटेंड किया जा सकता है. और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है फॉर रीफाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है वो सिर्फ रीफाइनेंस पर्पज के लिए ही दिया जाता है. ओके ओके, और जो शॉर्ट टर्म लोन है वो भी रीफाइनेंस पर्पस के लिए दिया जाता है, जबकि मीडियम टर्म लोन जो है वो सिर्फ विलेज कॉटन या इस इंडस्ट्री के लिए था, और वो 7 साल तक उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. रीफाइनेंस फॉर आर्टिजन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो या पढ़ लेना थोड़ा सा. ओके, अब है एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस फॉर रीफाइनेंसिंग द लॉन्ग टर्म. ये आपको पता होना चाहिए कि NABARD में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं फॉर द लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग जो है लोन उसके लिए. RRBs, SBCs, कमर्शियल बैंक्स, SCARDs जिसको हम बोलते हैं लैंड बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्ट्रेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज, शेड्यूल प्रायोरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन. तो ये सारे एलिजिबल हैं किसके लिए? रीफाइनेंस, किसका? लॉन्ग टर्म लोन पे जो होते हैं उनके लिए. नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड के बारे में. NABARD के अंदर जो हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड,
कब बनाया इसने, 1992 से 1993 तक, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन अंडरटेकिंग वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्डिंग अ मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड विद टेक्निकल एंड पर्सनल एक्सेट्रा. दिस फंड इज ऑगमेंटेड एवरी ईयर. इस बोलने का मतलब है कि ये फंड को हमेशा बढ़ाया जाता है एवरी ईयर बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नबार्ड. तो इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड की कौन किसने बनाया है, नबार्ड ने बनाया है. इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नबार्ड, तो ये थोड़े से पॉइंट थे. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसने लाई है, नबार्ड ने. रुपे किसान कार्ड किसने लाया है, नबार्ड ने, पता होना चाहिए. वट इज सी बी एस प्लेटफॉर्म, दिस इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इट्स अ नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस विच एनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स एंड अवेल बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन द सी बी एस नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर ही मेंटेन हिज अकाउंट्स. तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल सी बी एस हो गया है, आप किसी भी बैंक में जाके क्या करते हैं, और यही सेम आजकल लागू होता है कॉपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी. पहले कहीं कहीं ऐसे कॉपरेटिव बैंक है जहाँ पे ये सिस्टम नहीं चल रहा है अभी भी, लेकिन अभी आरबीआई की गाइडलाइन चाहिए कि ये सिस्टम वहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए. सो दैट्स इट गाइस, नबार्ड के बारे में मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी फैक्ट्स बता दिए हैं. नबार्ड की फंक्शनिंग क्या है ये भी समझा दी है, वो कैसे काम करता है ये भी आपको पता है, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन किस किस को देता है ये भी पता है, कौन से फंड उसके डेवलप हुए हैं ये भी पता है, करंट में उसने कौन सी मैगजीन वगैरह उनके हैं, तो ये भी आपको मैंने बता दिया. तो होली सोली आई हैव कवर्ड होल नबार्ड. तो दैट्स इट गाइस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू मोटिवेट अस, और अगर आपका कोई भी कमेंट है आप ज़रूर करें. आई विल गेट बैक टू योर क्यूरी विद इन 24 hours, दैट्स गारंटीड. और इस चैनल से अगर आपको इस लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. You're breaking the line, I'm falling for you.